नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जहां एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के मामले और कोरोना मरीजों के साथ अमानवीय चेहरे बार बार सामने आ जाते हैं। अब ताज़ा मामला राजधानी पटना से ही है, जहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है और इसका खुलासा पुलिस ने किया हुआ है। अब इस दौरान आपको बता दें कि कोरोना के संकट काल में आपदा को अवसर बनाने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से गांधी मैदान थाने क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड में एक निजी हॉस्पिटल में छापेमारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। और इसके बाद अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जाँच के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बनकर पहुँचे हैं, उसके बाद? तो वो सब अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली? जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के भी पूरा वो जाँच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। कौन अस्पताल आए हैं? रेनबो है। अभी क्या कुछ निकल के आया है सर? प्रारंभिक जांच अभी तक कुछ बातें सामने आई हैं सर, चल रही है। कितने बरामद हुए हैं सर? डॉक्टर भी हिरासत में लिए गए हैं? हिरासत में नहीं है, पूछताछ की जा रही है। जो जानकारियां मिली है कि 6 फाइल जो दवा है रेमडेसिविर वो बरामद हुआ है, जिसकी जाँच अभी की जा रही है। इसके वो दवा भी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये हमारे इंस्पेक्टर भी देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं, इतना जल्दी कुछ भी करना है। थैंक यू सर। तो सुना आपने, सूचना मिली थी, खबर मिली थी इस बात की कि लगातार इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, जिसकी सूचना पर अधिकारी वहां पहुंचे थे और ये भी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई आगे की जाएगी, पहले पता लगाया जा रहा है, सब कुछ विस्तार से जांच किया जा रहा है। हालांकि पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या आप लोग यहां पर ग्राहक बनकर आए थे, तो अधिकारी ने कहा कि अभी इस बात को रहने देते हैं, आगे इसका जिक्र करेंगे, खुलासा जब होगा पूरी तरह से तब इस बात का जिक्र किया जाएगा। अगर विस्तृत रूप से हम आपको बताएं तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हॉस्पिटल के संचालक सह डायरेक्टर और उसके साले के साथ एक एमआर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से जीवन रक्षक इंजेक्शन के 2 फाइल भी जब्त किए गए हैं। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई के कंट्रोल रूम में किसी ने फोन कर इस हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग किए जाने की सूचना दी थी। इसी सूचना के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से हॉस्पिटल में छापेमारी कर कालाबाजारी में बेचे जा रहे इंजेक्शन के मामले का भंडाफोड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई के खुलासे से राजधानी पटना में फिलहाल कालाबाजारियों के बीच खलबली मच गई है और पुलिस भी लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है कि कहीं कोई दवाई या किसी इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, राजधानी पटना में भी इसके आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में पुलिस को जब यह सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और छापेमारी की, जिसमें कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इन पर कार्रवाई क्या होती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।